This Kumar dance was really mesmerizing. Bhavya, don't you think the kids are more creative than the grown-ups? What do you mean? I mean to say that the kids are more talented. Can you wait a minute? What? There are those who star gaze, and then there are those who go out and pluck the stars from the sky, the blaze, Milky Way, real of their own. Indian women are no behind the rest of their country is proud to profile these multi-faced women who have edged a role in the country. A role so charismatic, they have moved themselves from a conventional housewife to one packed with grit and determination. Truly, the world belongs to those who believe in the beauty of their dreams. And to showcase the power of women, we would now like to call our senior students who will perform this skit. मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या इसमें मेरा ये कसूर है कि मैं एक माँ, एक बेटी और एक बहन हूँ? हाँ, अगर ये कसूर है तो मुझे ये मंजूर है। जिस देश में नन्ही बेटियों को कोख में मारा जाता है, जिस देश में दहेज का दानव निकल जाता है, जिस देश में लड़कियों का सड़कों पर चलना दुश्वार हुआ हो, कित लगाए बैठी दृष्टि बार बार तिरस्कार हुआ हो, सत्ता के ठेकेदार जहां खुद भारत माँ के भक्षक हो, पुलिस के पहरेदार जहां खुद चोरों के रक्षक हो, उस देश में दुर्गा पूजा की बातें बेमानी सी लगती हैं, नारी की आजादी बस एक झूठी कहानी सी लगती है, बस एक झूठी कहानी सी लगती है। स्वागत है आप सबका उस देश में जहाँ नारी को दुर्गा के समान पूजा जाता था, लेकिन आज हालात कुछ और हैं। वो कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम? कॉम्प्रोमाइज हम नारी है, नारी जो आज भी है समाज की नजरों में बेबस और बेचारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे, उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को तुम्हारी नहीं है पड़ी, तो तुम क्यों हो सबकी सोच बदलने पड़ी? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज अपनी सोच कभी नहीं बदलेगा। अम्मी मुझे पैसे चाहिए। अम्मी मुझे भी पैसे चाहिए। पैसे? तुझे क्यों चाहिए पैसे? मुझे मोबाइल चाहिए। अम्मी मुझे भी मोबाइल चाहिए। मोबाइल? तुझे क्यों चाहिए मोबाइल? अम्मी मुझे बाइक चाहिए। स्कूटी? तुझे क्यों चाहिए स्कूटी? अरे बेटा अनरोड जाके करेगी क्या? 40 लाख का तेरा खर्चा आएगा। आएगा। फिर तू वहाँ से आएगी तो तेरा रिश्ता क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तेरी शादी के लिए मुझे दहेज भी तो देना पड़ेगा। पड़ेगा। अरे बेटा जब तेरी बात शादी पे ही आगे रुकती है तो तू शादी कर और अपने बाबू की कमाई ले दीजा। Our society looks at women like the sister freely, but still, most of the women are housewives. Reason? Compromise. Most of the women are housewives, but अपनी मर्जी से नहीं, औरों के दबाव में आकर, आप जैसे लोगों के दबाव में आकर, क्योंकि घर वाले खुद कहते हैं बेटा अपने सपनों के साथ जरा कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम? कॉम्प्रोमाइज हम नारी है, नारी जो आज भी है समाज की नजरों में बेबस और बेचारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे, उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को हमारी नहीं है पड़ी, तो तुम क्यों सबकी सोच बदलने पड़ेगी? ऐसा ही होता है।
ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज अपनी सोच कभी नहीं बदलेगा। अरे मनोज, तुझे मेरे ही घर में पैदा होना था, आज तो तुझसे छुटकारा पा के रहूंगा। अरे After 5 hours of rescue operation, we are at the place where the incident happened. Let's talk to the girl's father. Sir, what do you want to say about this incident? हम बहुत खुश है, हमारी बिटिया टीवी पर आई, हम टीवी पर आए, हमारा पूरा गांव टीवी पर आ, हम तो भाई बहुत खुश है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह घटना कैसे घटी? हमारी बिटिया खेल रही थी और खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। और का नहीं, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहा। और हाँ, इस देश में जितना भी गड्ढा है, सरकार को हर ही गड्ढे का हिसाब देना होगा। The government has declared to grant 2 lakhs to compensate the loss. It's really a good news. ये तो बहुत अच्छी खबर सुनने में आई है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमको 2 लाख रुपया दिया। How will you utilize this money? का? आप इन पैसों को कैसे प्रयोग में लाएंगे? इन पैसों को अपनी खेती बाड़ी में प्रयोग करेंगे। और बच्ची के भविष्य का क्या? अरे खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्ची का भविष्य होगा ना। पढ़ लिख के करेगी क्या, शादी करके जाएगी अपने ससुराल। Girls are the ultimate sufferers in the society. The government has provided the right of free primary education to girls, but still 40,000 girls don't attend the schools. Reason? Compromise. Maa, papa se kaho abhi main shaadi nahi karna chahti, main padhna chahti hu. Na beti, nahi manenge tere papa. Par mere sapne, mere armaan. Are, shaadi ke baad apne sasural walon se puchna, wo padhne de to padhne na. सयानी बात कर बिटिया, चूल्हा चौका सीख और अपने ससुराल वालों की सेवा करने के लिए तैयार हो जा। कोई शिकायत का मौका मत देना। माँ, अब मैं क्या करूँ? अरे बिटिया, हम औरतों के हाथ में कुछ ना है, हम कुछ ना ही कर सकते हैं। तू हमारी मजबूरी समझ, अब तो तेरा भविष्य तेरे ससुराल वालों की मर्जी पर निर्भर करता है। ये आज के समाज में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्हें उनके पैरों पर खड़े होने से पहले ही बांध दिया जाता है शादी के बंधन में, और उनका भविष्य अंधकार में रह जाता है। क्यों बताइए, क्यों? ढल गया दिन, हो रही शाम, जाने दो जाना है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, नेताजी आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है? गलती लड़की की तो थी, डेढ़ साल तक लड़के के साथ नाच गा रही थी, और नहीं तो क्या होना था? मतलब इंसाफ नहीं मिलेगा? इंसाफ कैसा इंसाफ? अरे नहीं, इंसाफ चाहिए तो आइए करिए ज्वाइन पॉलिटिक्स और बदलिए सिस्टम को। Anymore. She is stronger, wiser, and more beautiful than before because God took her broken pieces and made her new again. I salute her confidence. अरे बेटा, ये तूने क्या किया? इसका अफेयर होगा, बच्चा नहीं हुआ होगा, ससुराल वालों की सेवा नहीं की होगी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो रोज मुझे मारते थे, परेशान किया करते थे, मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, पर लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? लोग क्या कहेंगे? अरे समाज की तो सबको पड़ी है, पर इस बेचारी लड़की की किसी को नहीं। कोई तो मदद करो इसकी। बट हाँ, हमारे भारत देश में बस एक ही सलाह दी जाती है कि बेटी अपने सपनों के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करूँ मैं कॉम्प्रोमाइज? हर औरत की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ जरूर आता है कि उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए इस समाज से इजाजत लेनी पड़ती है,
रहने दो. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I'm gonna grow up once again. ये तो बस कुछ ही समस्याएं थी जो हमने आपके समक्ष रखी, लेकिन eve teasing, dowry system, domestic violence, ये सब एक लड़की को जीने नहीं देती. अगर तब भी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो आज आप और हम किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते. हमारे समाज में औरतों को जीने का भी हक नहीं. विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि औरतों को साहस दिया जाए. अरे नहीं यार, औरतें इतनी भी कमजोर नहीं होती. विमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब होता है टू लेट हर बी हरसेल्फ एंड टू गिव इक्वल स्टेक इन द सोसाइटी. जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता. उन्हें उनका हक कभी नहीं मिल सकता जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, क्योंकि जो आज तक होता आया है वही होता रहेगा. इसीलिए आप सब सोचिए और साथ दीजिए इनका. कहा जाता है कि यदि एक लड़की शिक्षित होती है तो उसका समस्त परिवार, समाज एवं देश शिक्षित होता है. यदि ऐसा है तो फिर लड़कियों की शिक्षा के प्रति ऐसी उदासीनता क्यों? जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाओं के साथ ऐसा अन्याय, अत्याचार और शोषण क्यों? आखिर क्यों? क्या समाज इसके लिए खुद जिम्मेदार तो नहीं? Why girls don't feel secure? What is the reason? यदि आप कहते हैं कि पुरुष एवं स्त्री का समाज में समानता का अधिकार है तो महिला दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों? इसे व्यवहारिक रूप क्यों नहीं दिया जा सकता? It's time to come together and be united and eradicate this evil belief prevailing in the society. Shake yourself, gear up to do something for girls. Yes, this is the time to do something for girls.